देसी विदेशी और मेरे घर पे आप लोग का स्वागत है। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और इस वक्त पर क्या होता है, आपके घर से बहुत सारा सामान गुम हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। अब मेरे घर पे खत्म हुआ था अचार, तो पता है क्या हुआ, मुझे बाजार में ग्रीन मैंगोज मिल गए, वो मैं लेके आया, लेकिन मुझे अचार इमीडिएटली खाना था, तो मॉम ने एक ऐसी डिलिशियस रेसिपी बनाई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कम से कम इंग्रीडियंट में इतनी डिलिशियस रेसिपी बन गई। अब मैं इसे कहता हूँ इंस्टेंट अचार। आप लोग कहोगे यार ये अचार नहीं है, ये मैंगो की चटनी है, लेकिन मैं इसे अचार की तरह खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। स्पाइसी है, खट्टा है, बहुत ही डिलिशियस है। ट्रस्ट मी, हम लोग ये रेसिपी बचपन में खाते थे और बहुत टाइम बाद मॉम ने ये बनाया है, तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, आम को अच्छी तरह से धो लिया है और इसके इस तरीके से टुकड़े काट देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है एक मुट्ठी भर लहसुन और अदरक। अब आपको क्या करना है, जितना लहसुन लिया है उसका आधा अदरक आपको इस्तेमाल करना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। ये अब हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और 1 छोटा चम्मच राई। अब जैसे ही राई क्रैकल हो जाता है, इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें जो कैरी काटी थी वो जाएगी। अब बारी आती है हल्दी, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मिलाएंगे पानी। करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। और इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। अब इसे कवर कर दीजिए। अब देखिए ये कैरी भी अच्छी तरीके से गल गई है, सॉफ्ट। गैस कर देंगे ऑफ। तो ये थी मेरी इंस्टेंट अचार की रेसिपी। आप इसे सब्जी कहिए या चटनी कहिए, लेकिन ये रेसिपी आप जरूर बनाइए। ट्रस्ट मी, बहुत ही डिलिशियस बनेगी ये रेसिपी। और अगले हफ्ते फिर से मैं वापस मिलूंगा मेरे घर से एक रमजान स्पेशल रेसिपी के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रेसिपी इसको दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। एक पिज्जा की रेसिपी बनाइए, देखिए होममेड पिज्जा क्या डिलिशियस रेसिपी बनी थी। देखती रहिए देसी विदेशी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय हाउस, शेफ दीपू।